हेलो गाइस, मैं हूं आशुतोष। स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंजीनियर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे और आपको हमारा ये जो फर्स्ट मॉड्यूल था कैटिया का, यानी कि स्केचर, आपको पसंद आया होगा। यदि आपको स्केचर में अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट करके हमें बता दीजिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां आप एक्टिव डिस्कशन कर सकते हैं और आपके प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो चलिए अब हम इस वीडियो में अपना सेकंड मॉड्यूल यानी कि 3D मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं और पार्ट डिजाइन देखते हैं। ये देखिए हमारा कैटिया ओपन हो चुका है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्लोज कर लेंगे। यहाँ से आ जाएंगे स्टार्ट, मैकेनिकल डिजाइन और पार्ट डिजाइन। तो हम पहले क्या करते थे, पार्ट डिजाइन में एंट्री आकर के फिर स्केचर ओपन करते थे, लेकिन अभी क्या है कि ये हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट डिजाइन के टूल्स। तो हमारे पास यहाँ बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि स्केच बेस्ड फीचर एक होता है। ये देखिए, ये जो हमारा है स्केच बेस्ड फीचर है, ये देखिए स्केच बेस्ड फीचर। इसमें हमारा होता है पैड, फिर उसी के अंदर होता है हमारा मल्टी पैड, फिर हमारा ये होता है पॉकेट, मल्टी पॉकेट, शाफ्ट, ग्रूव, होल, रिब, स्लॉट, फिर सॉलिड कंबाइन, मल्टी सेक्शन सॉलिड, रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम पार्ट डिजाइन में आगे वीडियोज में देखेंगे। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हमको कोई भी 3D मॉडल तैयार करने के लिए हमें उसका स्केच क्रिएट करना पड़ता है। तो स्केचर में हमने जितने भी टाइप के स्केचेज होते हैं सब कुछ बनाना, कठिन से कठिन और आसान से आसान स्केचेज को बनाना हमने सीख लिया है। तो इस मॉड्यूल में हम अब सीखेंगे पार्ट डिजाइन में कि 3D ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले स्केच बेस्ड फीचर के कुछ टूल्स को देखते हैं कि कैसे इनका यूज करना है। तो सबसे पहला तो हमारा है पैड। पैड का मतलब होता है कि किसी सरफेस को 3D में कन्वर्ट करना। तो देखिए, जैसे कि हमने स्केचर में एंट्री ले लिया और XY प्लेन पे, और यहाँ से हम ये कोई रेक्टेंगल बना लिए। अब जैसे ही हमने रेक्टेंगल बनाया, और ये अभी देखिए, अभी ये रेक्टेंगल हमारा सेलेक्टेड है। तो सेलेक्टेड है तो हम यदि किसी भी फीचर को यदि अभी करेंगे सेलेक्ट तो वो अपना काम कर जाएगा। इसीलिए अभी जैसे कि जनरली हमारा ये मान लीजिए ऐसे है, तो अब हम ये पैड का यूज करते हैं। तो पैड जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो हमारा यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है टाइप, लेंथ, लिमिट, सेलेक्शन, थिकनेस, मिरर एक्सटेंट और रिवर्स डायरेक्शन का। इसके अंदर भी और है सेकेंड लिमिट, ये सब नॉर्मल टू प्रोफाइल, और ये सब हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्शन करेंगे। तो ये देखिए ब्लू टिक से है, हम स्केच अपना सेलेक्ट कर लिए। तो देखिए जैसे ही सेलेक्ट किए हमारा 20mm यहाँ जो था वो अपने आप 20mm पैड हो गया। तो यहाँ से हम वैल्यू, हमको जितना रखना है 30 रखना है तो हम 30 रख लेंगे, हमको यदि 15 रखना है तो हम 15 रख लेंगे। तो ये हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए टाइप में क्या होता है, डायमेंशन टाइप। तो ये जैसे देखिए अप टू नेक्स्ट, अप टू लास्ट, अप टू प्लेन, अप टू सरफेस, ये सब क्या है, ये हम आगे जब थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो वहां देखेंगे। जनरली हम पैड डायमेंशन से ही करते हैं, बाकी जो स्पेसिफिक कुछ वर्क होते हैं तो उसमें अप टू नेक्स्ट, अप टू लास्ट का यूज करते हैं, अप टू प्लेन या अप टू सरफेस का भी यूज करते हैं। लेकिन यदि हमको कोई डायमेंशन देखे कि 15mm ही हमको करना है, 20mm करना है, 30mm करना है, मतलब स्पेसिफिक हमको करना है, तो हम ऐसे करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक मिरर एक्सटेंट है। तो जैसे ही हम मिरर एक्सटेंट करेंगे तो ये हमारा देखिए 15mm ऊपर था तो 15mm नीचे भी बन गया, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारा ये पैड 30mm हो गया और ये सिमेट्रिक हो गया। ये व्हाइट वाली जो लाइन आपको दिख रही होगी बीच में, उसके अबाउट टू सिमेट्रिक हो गया, यानी कि 15mm ऊपर और 15mm नीचे बना है। रिवर्स डायरेक्शन का यूज हम कैसे करते हैं, तो देखिए अभी मैंने ये मिरर एक्सटेंट को अनटिक कर दिया, तो ये अभी हमारा ओरिजिनल दिखा रहा है। जैसे ही हम रिवर्स डायरेक्शन करेंगे तो ये देखिए हमारा लिमिट वन का डायरेक्शन अपवर्ड दिखा रहा है, ये नीचे की ओर हो जाएगा। तो ये हमारा रिवर्स डायरेक्शन होता है। अब लिमिटिंग हम कैसे करते हैं, तो ये देखिए हमारा लिमिट वन ऊपर है, लिमिट टू नीचे, तो अभी इसको हम जैसे था वैसे कर लेते हैं। ये देखिए लिमिट वन ऊपर, लिमिट टू नीचे। यहाँ मोर में जब जाएंगे तो हम यहाँ पे देना है सेकेंड लिमिट। तो देखिए सेकेंड लिमिट हमारा नीचे वाला है वो 0-0 पर है, तो सेकेंड लिमिट हम मान लीजिए 10 दे देते हैं कि हमको जो अपना बनाना है, ये देखिए सेकेंड डायरेक्शन में हमको 10 बनाना है और फर्स्ट डायरेक्शन में हमको 15 बनाना है। तो ये हमारा अनसिमेट्रिकल यदि बॉडी बनाना रहता है तो हम सेकेंड लिमिट का यूज करते हैं और फर्स्ट लिमिट का यूज आपने देख लिया है। तो ये होता है हमारा पैड। अब इसके अंदर हमारा एक मल्टी पैड का है, तो ये देखिए अभी हमारा ये मल्टीपैड ऑफ है, तो इसको ऑन कैसे किया जाए। तो जब भी हम एक स्केच बनाएंगे जिसमें एक से ज्यादा फीचर्स होंगे, जैसे कि सर्कल और ऐसे टाइप के कुछ होंगे, मैंने आपको
दिखाया नहीं है अभी, अभी बना के मैं दिखा देता हूँ। तो स्केच सेलेक्ट कर लिए और एक्स वाई प्लेन में चलेगा। तो ये देखिए, जैसे कि एक हमने रेक्टेंगल बना दिया और इसके अंदर ही एक सर्कल बना दिया। तो ये हमारा मल्टी फीचर्स काम करेगा इस पे। ये देखिए, जैसे ही हम अभी देखिए, अभी हमारा ये तीनों ऑप्शन ऑन हो गया। वैसे ये ड्राफ्टेड फिलेट पैड का जरूरत जल्दी नहीं पड़ता है, कहीं पड़ेगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। वैसे मल्टी पैड का यूज पड़ता है और हम यूज करते भी हैं इसका, काफी फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। तो ये देखिए, मल्टी पैड मैंने सेलेक्ट किया। अब देखिए, ये मेरा पूरा का पूरा जो है स्केच ग्रीन हो गया है। अब क्या करेंगे कि एक्सट्रूजन लिमिट वन, तो एक्सट्रूजन लिमिट वन पर ये देखिए हमारा पूरा का पूरा हुआ है। तो इसको देखिए, हम वैल्यू मान लीजिए देते हैं 10। तो ये देखिए 10 हमारा ये पूरा का पूरा बढ़ गया है। लेकिन जो हमारा अंदर वाला है वो एक होल टाइप का बना होगा। आपको कहिए तो मैं करके ओके दिखा देता हूँ। देखिए होल बना हुआ है। तो अभी क्या है, हम इसको डबल क्लिक कर लेंगे तो ये हमारा फिर से आ जाएगा वैसा ही। और ये देखिए सेकेंड लिमिट जो है हम इसको दे दिए 50। तो ये देखिए नीचे से ये हमारा 50 पे बन गया। तो यहाँ से ये 50 पे बना, तो ये 10 बना था, तो इसके ऊपर 40, ये ऊपर तक बन गया। तो ये होता है हमारा मल्टी पैड का यूज। इसके बाद आपको दो तीन चीजें और बताना है पैड में, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला चीज क्या है, इसको डिलीट कर लेते हैं, कि कोई भी हम यदि ऐसा बनाते हैं स्केच, मान लीजिए कि हमने ये एक स्केच बनाया, ये स्केच है, तो इसमें क्या है हमारा ये जो लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन है और इधर हमारा कुछ ओपन है, तो ये हमारा पैड नहीं हो पाएगा। आपको कहेंगे कि सर क्यों नहीं हो सकता है, तो आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको हम पैड सेलेक्ट किए और इसको जैसे ही करेंगे, ये देखिए लिख दिया, यू मस्ट यूज थिक ऑप्शन इन ऑर्डर टू यूज एंड ऑपरेट ओपन प्रोफाइल व्हेन एवर करेंट फीचर इज इन द फर्स्ट सॉलिड फीचर ऑफ ए बॉडी। डू यू वॉन्ट टू यूज द सेलेक्ट स्केच एनी वे? यानी कि कहने का मतलब यही है दोस्त, कि यदि आप ओपन प्रोफाइल कोई भी बनाते हैं तो आप उससे थिक प्रोफाइल बना सकते हैं, लेकिन आप उसको पैड नहीं कर सकते हैं। थिक प्रोफाइल क्या होता है, मैं अभी बता देता हूं आपको। तो ये देखिए, ये हमारा वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए एक और चीज है हमारा, मैं इसी को डबल क्लिक करके एडिट कर लेता हूँ, इसको कट कर देता हूँ। ये देखिए, इसको हम कर लेंगे डिलीट। ये देखिए, ये कुछ ऐसा लाइन है, ऐसा ये ओपन है, तो हम इसको पैड करना चाहते हैं। तो पैड करना चाहते हैं यदि, तो यहाँ पे हम ये ओपन प्रोफाइल ले लिए हैं और यहाँ पे पैड जैसे करके इसको सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमारा फिर से वैसा आएगा। तो हम थिक प्रोफाइल का यूज करते हैं, जैसे कि घर वगैरह होता है, तो घर का चारों ओर से दीवार रहता है, बीच में खाली रहता है, तो वैसा कुछ यदि हमको बनाना है तो हम थिक प्रोफाइल का यूज कर लेंगे। और ये देखिए, इसको यस कर लेंगे और यहाँ पे थिक यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम थिकनेस दे सकते हैं, थिकनेस वन, थिकनेस टू। तो थिकनेस वन हमारा जो होता है वो इंटरनल की ओर होता है और थिकनेस टू हमारा एक्सटर्नल की ओर होता है। और यदि हम न्यूट्रल फाइबर करते हैं तो वो मतलब दोनों साइड में बराबर बराबर दे देगा, इक्वल इक्वल। उसके बाद क्या है हमारा, ये अभी देखिए, ये हम यहाँ पे थिकनेस देते हैं, जैसे थिकनेस हमने 4 5 mm दे दिया, तो ये हमारा 5 mm थिक हो गया। ये देखिए, अब इसका हमको लेंथ दे देना है, 15 mm है, तो हम डायरेक्टली मैनुअली भी बढ़ा सकते हैं, तो हम इसको भी 50 mm करते हैं, 50 mm। तो ये देखिए, ये हमारा, ये देखिए वॉल टाइप का कुछ बना हुआ है, जैसे कि ये दीवार टाइप का कुछ बना हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ, जैसे कि इसको 500 के आसपास ले लेता हूँ। ये देखिए, ये हमारा दीवार टाइप का बन गया ओपन प्रोफाइल के साथ ही। तो ये होता है हमारा थिक प्रोफाइल। थिक प्रोफाइल का यूज आपको पता चल गया। इसके बाद हमारा इसी में एक और चीज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, इस पे कोई भी हम फीचर यूज करते हैं पार्ट डिजाइन का, तो उसको हम एडिट कर सकते हैं, यानी कि वो हमारा एडिटेबल होता है। लेकिन हमारा कोई भी स्केच जो होता है वो एडिटेबल होता है, लेकिन उसमें जो आप वर्क किए हैं वो आपको दिखाई नहीं देता है। जैसे कि ये देखिए, हम इसको डबल क्लिक किए, हम 50 mm रखे थे, 500 mm लिखे रखे थे, तो इसको हम 20 mm रख सकते हैं, 20 mm कर दिए। हमको यदि मान लीजिए कि ऐसा नहीं रख के हमको इसके स्केच में कुछ चेंज करना है, तो हम जैसे कि स्केच में मान लीजिए हम यहाँ से लाइन को बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, यानी जैसे ही क्लोज कर देंगे और एग्जिट करेंगे तो हमारा वो स्केच भी अपडेट, पार्ट भी हमारा अपडेट हो जाएगा। ये देखिए, आपको 500 इसको करके दिखा देते हैं, तो ये देखिए अभी चारों ओर से क्लोज्ड बन गया। लेकिन हमारा जो स्केच होता था, स्केच हमारा एडिटेबल नहीं होता था। इसका इसमें हम जो भी वर्क करते हैं, जैसे देखिए इसमें हम हमने पैड किया, तो पैड हमारा यहाँ पे आ गया। लेकिन जब हम स्केच बनाते थे तो स्केच में हमने क्या ऑप्शंस यूज किए हुए हैं, लाइन किया है, जैसे कि ये मान लीजिए हमारा स्केच हो गया, तो स्केच के अंदर हमने क्या क्या यूज किया, सर्कल यूज किया, क्या यूज किया, ये हमारा नहीं दिखाता है।
तो ये अंतर होता है पार्ट डिजाइन में और स्केचर के फीचर्स में। ये मेन अंतर होता है कि हमारा जो वर्क हिस्ट्री होता है इसमें पार्ट डिजाइन में आता है, और हम उसको मैनुअली कभी भी कुछ भी उसमें चेंज कर सकते हैं। फिलहाल पार्ट डिजाइन में हम इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। आगे हमारी जर्नी काफी लंबी होने वाली है, तो आप हमारा साथ बनाए रखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना बहुमूल्य सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।